कैसे हैं। एलिगेंस क्लिनिक सूरत की तरफ से हमारी ये यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वीडियो में आपका स्वागत है। ये चैनल पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और सर्जरी के बारे में हम आपको रेगुलर जो सच्ची माहिती है वो देते रहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है हम इसलिए बना रहे हैं कि काफ़ी लोग हमें पूछते रहते हैं कि स्मोकिंग करने के बाद गायनेकोमास्टिया सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो स्मोकर्स हैं वो गायनेकोमास्टिया सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि उनको स्मोकिंग बंद करना पड़ता है। स्मोकिंग क्या इफेक्ट कर सकता है गायनेकोमास्टिया सर्जरी पे, वो समझने के पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते कैसे हैं। तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी में जो आपकी चेस्ट के ऊपर फीमेल ब्रेस्ट जैसा जो बन जाता है उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है आपका फैट और दूसरा होता है आपका ग्लैंड। तो फैट के लिए हम लाइपोसक्शन करते हैं और ग्लैंड के लिए हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो वो दोनों करने के बाद में जो आपकी जो चेस्ट की स्किन है वो काफ़ी थिन आउट हो जाती है, जैसी नॉर्मल मेल्स की होती है, और अंदर से पूरी फैट निकल जाती है। जो अगर आप ऐसे समझें तो ये अगर आपका गायनेकोमास्टिया का शेप है, तो अभी आपकी ये जो स्किन है उसको ब्लड सप्लाई जो छाती है अंदर से सीधी आके मिलती है। लाइपोसक्शन के बाद ये वाली जो ब्लड सप्लाई वो काफ़ी कम हो जाती है और आपको खून की सप्लाई यहाँ से और यहाँ से मिलती है। वैसे में अगर आपने स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में, जैसे कि 250 नॉन टॉक्सिन्स होते हैं, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, निकोटीन, ये वाले जो ऐसे हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, माने छोटा करते हैं, सिकुड़ देते हैं। तो वैसे में जो सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल है वो आपकी जो नॉर्मल स्किन है उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं दे पाती है। तो वैसे में आपकी स्किन की सेल को जितनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो मर जाती है, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जो स्किन काली हो जाती है उसको निकालना पड़ता है, और आपने जिस रिजल्ट के लिए गायनेकोमास्टिया किया वो आपको नहीं मिलता है, उसके बदले में आप और कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं। मरी हुई स्किन आपको निकालनी पड़ती है, उसके बदले में या तो टांके आ सकते हैं या आपको और स्किन ग्राफ्टिंग का दूसरा सर्जरी भी करना पड़ सकता है। इसलिए जो गायनेकोमास्टिया जिनको है और अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको विथ थोड़ा सा कॉशन रख के, माने उनको संभल के ये सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और अगर आप ये सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आपको, आपका फ़र्ज़ है कि आपके डॉक्टर को बताएं आपके स्मोकिंग के बारे में, तो वो आपको सही सलाह दे सके। तो क्या हो सकता है प्रिकॉशन जो लेके आप ये सर्जरी करा सकते हैं? तो आइडियली आपको 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। इससे जो स्मोकिंग की इफ़ेक्ट है टोटली तो नहीं चली जाती, लेकिन जो आपका डैमेज का जो चांसेस है वो बहुत कम हो सकता है। तो ऐसे में फिर आपका स्किन नेक्रोसिस या और कोई कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। स्मोकिंग ओनली जो आपका स्किन है उसका नेक्रोसिस या कालापन नहीं करता है, लेकिन आप स्टडीज़ में देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को हार्ट अटैक आने का, न्यूमोनिया होने का और दिमाग में स्ट्रोक आने का चांस ऑपरेशन के बाद बढ़ जाता है। तो ये सब घटाने के लिए और कॉम्प्लिकेशन फ्री गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने के लिए आपको स्मोकिंग 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद आपकी सर्जरी को स्टॉप करना चाहिए। आइडियली एज अ डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्मोकिंग आपको लाइफ टाइम ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो यंग एज में आपको पता नहीं चलते, लेकिन आपकी जब ओल्ड एज है, जब शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको वो बहुत तकलीफ देता है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी वैसे कॉम्प्लिकेशन रहित सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है। हमारी क्लिनिक में रेगुलरली हम करके काफ़ी सारे लड़कों को हमने डिप्रेशन से निकाला हुआ है, और ये जो टेक्निक है हमारी उसमें ऑलमोस्ट आपको स्कारलेस, माने बिल्कुल भी स्कार नहीं दिखे, उस तरीके से आपका यह सर्जरी हो सकता है। तो आप स्मोकिंग छोड़े और सेफली ये सर्जरी कराएं, वैसी हमारी सलाह है। आपने ये वीडियो निकाल देखने के लिए आपका अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर्स पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
हमारा ईमेल एड्रेस है ashutosh.apple@gmail.com, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वीडियो, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही माहिती निरंतर पाते रहें। और आपको वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।